नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। हजरत शहादत शाह रहमतुल्लाह अलैहि का 4 दिवसीय उर्स धूमधाम से संपन्न। उन्नाव, उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव की तहसील बांगरमऊ के अंतर्गत ग्राम कांटा गुलजारपुर में हजरत शहादत शाह रहमतुल्लाह अलैहि का 4 दिवसीय सालाना उर्स बड़ी धूमधाम और अकीदत दिन के साथ मनाया गया। इस मौके पर उर्स के पहले दिन उर्स का आगाज जलसे ईद मिलादुन्नबी के साथ किया गया। इस मौके पर दूर दराज से आए उलेमा ने लोगों को अपनी शानदार तकरीर से लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद दूसरे दिन सुबह 8 बजे कुरान खानी तथा फिर मजार का गुस्ल पाक दिया गया। उसके बाद कव्वाल मोइनताज उन्नाव तथा शब्बीर ताज नागपुर के बीच सूफियाना कव्वाली शानदार मुकाबला हुआ। तीसरे दिन शाम 4 बजे कुल शरीफ के बाद पूरे दिन सूफियाना कव्वाली का शानदार मुकाबला हुआ। उसके बाद चौथे दिन हिंदुस्तान के मशहूर कव्वाल कैफ खान जी टीवी सिंगर सारे गामा पा मुंबई और आलिया इंडियन दिल्ली के बीच 2 कड़ी का जबरदस्त मुकाबला का प्रोग्राम रात भर चला, जिस पर उर्ज में आए हजारों की तादाद आए हुए जयरीनों ने जमकर शानदार जवाबी मुकाबले का लुत्फ उठाया। उर्ज में लगे बड़े बड़े झूले का लुत्फ लोगों ने उठाया और मेले में लगी दुकानों पर लोगों ने तमाम गृह उपयोगी वस्तुएं खरीदी। दरगाह कमेटी की तरफ से आए हुए सभी जयरीनों के लिए लंगर का इंतजाम भी किया गया। इस मौके पर पीरे तरीकत हजरत शुजा मियां उर्फ गुड्डू मियां साहब सज्जादा नसीम कायमगंज की सरपरस्ती में उर्स का समापन किया गया। इस मौके मोहम्मद अजीमुद्दीन शाह सज्जादा नसीम आशियास, मौलाना अमीर आलम, हाफिज हकीक कादरी, हाफिज मोहम्मद शादाब वास्ती, हाफिज मोहम्मद अयाज अली, मौलाना इजहार अहमद तकिया, हाफिज मोहम्मद रजा सहित तमाम उल्लामा इकराम ने अपनी तकरीरों से लोगों नवाजा।